हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद स्वारिका में आपका स्वागत है। और आज हम बना रहे हैं पोटैटो वेजेस, जो बहुत ही क्विक रेसिपी है, जो बहुत ही फटाफट बन जाती है और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए देखते हैं इसकी आसान सी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। यहाँ पे मैंने चार बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं और हम इसे बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि हम इसे छिलकों के साथ ही इस्तेमाल करने वाले हैं और फिर हम इसे बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए कुकर में हम इसकी एक विसल लगाएंगे और 5 मिनट के लिए सिम कर देंगे और फिर गैस ऑफ कर देंगे और कुकर अपने आप खुलने देंगे। और ये देखिए, मैंने पोटैटोज़ को पहले से बॉईल करके रखा हुआ है, इन्हें पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे हम, तभी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम इसकी वेजेस काट लेते हैं। इसके लिए हम पहले इसे बीच में से हाफ कट कर लेंगे और फिर हम एक हाफ में से 3 पार्ट्स करेंगे। हमें इसके बहुत थिन स्लाइस नहीं करने हैं, थोड़े मोटे मोटे स्लाइस करने, इस तरह से देखिए। तो हम ईच हाफ में से 3 पीसेस करेंगे और पूरे एक पोटैटो से 6 पीस निकाल लेंगे। देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, ये देखिए। हमें इसके थिन पीसेस नहीं करने हैं, थोड़े मोटे मोटे रखने हैं। मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ। इसको बीच में से हाफ करना है और फिर इसमें से 3 पीस कट कर लेना है। ये देखिए हमारे पोटैटो कट गए हैं। इसी तरह हम सारे पोटैटो रेडी कर लेते हैं। इसी तरह से मैं सारे वेजेस कट कर ले रही हूँ। और ये देखिए, मैंने सारे वेजेस कट कर लिए हैं और अब मैं इसे एक बड़े से बोल में ले रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मेल्टेड बटर 2 टेबलस्पून के करीब। आप इसकी जगह कोई भी वेजिटेबल ऑयल डाल सकते हो, लेकिन बटर से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। और अब मैं डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश गार्लिक को ग्रेट करके डाल सकते हैं। और अब मैं डाल रही हूँ रेड चिली, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून। इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आता है वेजिस का। और अब मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। और अब मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मैं डाल रही हूँ मिक्स हर्ब्स 1 टीस्पून। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही हल्के हाथों से, नहीं तो वेजेस टूट सकते हैं। सो बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करना है। और अब मैं डाल रही हूँ मैदा 1 टेबलस्पून। ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जितना ज़रूरत पड़े। पहले मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ और इसको मिक्स करके देख लेंगे। और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून और डाल रही हूँ। और ये है राइस फ्लावर, मैं ये डालूँगी 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो, और अगर वो भी नहीं है तो आप पूरी तरह से स्किप कर दीजिएगा। इससे बहुत ही क्रंची सा फ्लेवर, क्रंच आ जाता है पोटैटो वेजेस में। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो ये बिल्कुल अच्छे से आलू के ऊपर सारे मसाले कोट हो जाएं। और ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, सारे मसाले अच्छे से कोट हो गए हैं पोटैटोस पे। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। और मैं यहाँ इसे डीप फ्राई नहीं करूँगी, शैलो फ्राई करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल 2 टेबलस्पून के करीब। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर हम इस पे लगाएंगे अपने वेजेस।
पोटैटो वेजेस। अब हम इसे एक साइड से इस तरह से लगा लेंगे, सारे वेजेस जितने इसमें एक बार में आ जाएंगे हम इसे लगा लेंगे, अरेंज कर लेंगे, तो इस तरह से हम अरेंज कर लेंगे। और ये देखिए इस पे मैंने इस तरह से अरेंज कर लिए हैं सारे। और अब हम इसे एक साइड से क्रंची होने तक, बिल्कुल लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे। और ये देखिए एक से डेढ़ मिनट हुआ है और ये बिल्कुल क्रंची हो गया एक साइड से। तो अब हम इसे दूसरी साइड से फ्लिप कर देंगे, साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसे क्रिस्पी और क्रंची कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक से डेढ़ मिनट ही लगेगा। और इसे हम दूसरी साइड से भी पका लेंगे। अगर आपके पास आलू पहले से बॉयल है तो इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ये 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाता है। तो आप बच्चों को कभी भी भूख लगे फटाफट से ये बनाकर दे सकते हो, टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हो, स्नैक्स की तरह से दे सकते हो। तो ये देखिए, और ये देखिए ये दूसरी साइड से भी बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है। तो अब मैं इसे फिर से फ्लिप कर दे रही हूँ बैक साइड की तरफ, जिधर स्किन है उस साइड से, उधर से भी हम इसे बिल्कुल क्रिस्पी कर लेंगे। बस आधा मिनट ही लगेगा इसमें। और इसे हम सब तरफ से बिल्कुल क्रंची कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है, बिल्कुल टेम्पटिंग लग रहा है, बिल्कुल जैसे लग रहा है कैफेज में बन के मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए ये बैक साइड से बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है, तो ये रेडी हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी क्रंची और कितना अच्छा सा कलर लग रहा है इसका। तो अब हम सारे इसे निकाल लेते हैं। और अब हम इसी पैन में थोड़ा सा ऑयल और डाल लेंगे और इस पे बाकी की वेजेस भी लगा लेंगे, उसी तरह से अरेंज कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था। ये देखिए एक साइड से, और हम इसे इसी तरह से दोनों साइड से क्रिस्पी करके फिर बैक से भी क्रिस्पी करके रेडी कर लेंगे सेम प्रोसेस से। और अब मैं इसे भी सब तरफ से फ्लिप करके क्रिस्पी कर ले रही हूँ। हमें यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम ही रखनी है, मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाना है। और ये देखिए ये भी सब तरफ से क्रिस्पी और क्रंची हो गया। तो अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, और ये रेडी हो गए हैं। और ये देखिए इसी तरह से मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और मैं इसे प्लेट में सर्व कर ले रही हूँ, और साथ में मैंने सर्व करी है हॉट एंड चिली सॉस, टमाटो सॉस। और ये रेडी हो गए हमारे क्रिस्पी क्रंची पोटैटो वेजेस। और अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ ये कितना क्रिस्पी है बाहर से और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।